गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रिंगर कम्युनिटी। लेट्स सी कल मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। टू बिगिन विद, आज दोनों इंडेक्स में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जिसके इमीडिएटली बाद में हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला था। निफ्टी में 18,400 और बैंक निफ्टी में 44,000 से वापिस एक शार्प सेलिंग हमें सेकेंड हाफ में देखने मिली है। निफ्टी के लिए 18,400 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस बनता जा रहा है और हमने ये सुबह भी अपडेट किया था, हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें हम सुबह ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और बाकी का जो भी इंडेक्स का एनालिसिस है वो हम वहाँ पर अपडेट करते हैं। आज अगर देखे जाए तो हमने बोला था कि गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट में एक थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम या फिर साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, विच इन द फर्स्ट हाफ केम ट्रू। पहले फर्स्ट हाफ में आज इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से बाइंग आई थी, बट सेकेंड हाफ में 18,400 से जो हमने नो ट्रेडिंग जोन मार्क किया था वहीं से आज वापस हमें शार्प सेलिंग आते हुए दिख रही है। सो 18,400 काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है और हम कल भी कोई भी बाइंग पोजीशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे पोजिशनली अनटिल इंडेक्स टेक्स डाउन टेक्स आउट 18,420 लेवल। आफ्टर इट सस्टेंस 18,420 लेवल, उसके बाद ही हम पोजिशनली लॉन्ग वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। और कल के लिए इंटरेस्टिंग सिनेरियो यही रहेगा कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर माइनर सा गैप अप ओपन होता है या फिर हल्का सा माइनर अगेन गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वापस एक इस लेवल के नीचे एक सेलिंग देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स हमने सुबह मार्क किए हुए थे, अगेन टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे कल के लिए जो हमें प्लान करना है ट्रेडिंग का वो काफ़ी सिंपल सा प्लान रहेगा। कल इंडेक्स में जैसे ही गैप अप, माइनर गैप अप, माइनर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वी विल बी रेडी टू क्रिएट आर शॉर्ट पोजीशंस बिलो 18,250 लेवल। सो जैसे एक 5 मिनट्स का कैंडल 18,250 के नीचे क्लोज करता है तो हमारे शॉर्ट पोजीशन वापस से एक्टिव हो जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर एक ऊपर की तरफ छोटा सा मोमेंटम देता है तो ऊपर की साइड पे हमें वापस से 18,325 का जो लेवल है वहाँ पे हमें एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी लेवल से वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि एक अगर नीचे की तरफ कोई बियरिश कैंडल बनती है तो अगेन वी विल बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट पोजिशन। बट अगर इंडेक्स इसी लेवल के बीच में बिटवीन द 18,327 एंड 18,250 के बीच में अगर काफ़ी टाइम तक ट्रैवल करता है तो इसी लेवल में कल मार्केट फर्स्ट हाफ यहीं पे रह सकता है। फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में इधर साइड ऑफ ब्रेकआउट विल मीन डिरेक्शनल फॉर द इंडेक्स। सो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम छोटी क्वांटिटी में ही सही कल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे की तरफ 18,250 टेक डाउन होता है या फिर ब्रीच होता है तो हम नीचे की तरफ शॉर्ट अपने इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ पे हमारा टारगेट कल 18,200 हो सकता है, जो कि हमारा एक पुराना माइनर रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर वो इंडेक्स उससे भी ब्रीच करता है तो डायरेक्टली वी कैन एक्सपेक्ट 18,150 का लेवल ऑन चार्ट्स। अपसाइड अगेन मेजर पोजीशंस वी विल नॉट बी क्रिएटिंग अंटिल 18,420 लेवल इज टेकन आउट सस्टेनेबली। लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी में वापस से हमें 44,000 की लेवल से एक सेलिंग आती हुई दिख रही है। सो जो हमने इसमें एक ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क किया था, मार्केट सुबह उसके नीचे ही ओपन हुआ, बट जो हमने सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ था फर्स्ट सपोर्ट जोन वहीं से एक हमें शार्प बाइंग आते हुए भी दिखी। सो व्हेन इन द फर्स्ट हाफ दिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन वाज ब्रीच्ड ऑन द अपसाइड,
हमें लगा था कि इसके बाद में शायद इंडेक्स इधर ही कहीं तो आज का दिन क्लोज कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन फ्रॉम 44,000 लेवल यहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखाई दी है. सो अगेन इट्स मेकिंग अस, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट वी विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी पोजिशनल लॉन्ग पोजिशंस अंटिल 44,150 इज ब्रीच्ड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. सो अगर कल हमें ऑप्शन कल हमें अगर इंट्राडे बाइंग के लिए जाना है तो 43,840 के ऊपर एक हल्का सा हम मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 44,000 तक अगेन वापिस जाने की कोशिश कर सकता है. अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अभी भी स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश ही है. सो 44,000 लेवल पे जितनी बार मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इट क्लियरली मीन्स कि बुल्स अभी भी मार्केट में है, बट यहाँ पे बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं. डज दिस मीन कि 44,000 लेवल विल नॉट बी टेकन आउट? नो, नॉट एट लीस्ट अंटिल द इंडेक्स स्पेंड सम टाइम हियर. सो इंडेक्स जितनी टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा उतना ही मेजर हमें ब्रेकआउट एक दिन देखने को मिल सकता है. कल इंडेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल्स रहेंगे जिसमें हम हमारे शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, माइनर गैप डाउन ओपन होता है, या फिर हल्का सा साइडवेज ओपन होता है, या फिर अगेन थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन होता है, तो हमारा वापस से शॉर्ट साइड पे ही पोजीशन बनेगा. बट यहाँ पे हमारे नीचे की तरफ ज़्यादा टारगेट्स मिलने का चांस काफ़ी कम है. सो यहाँ पे नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट जोन्स कल के लिए रहेंगे, जो फर्स्ट विल बी 43,590, सेकेंड विल बी 43,450 का लेवल. सो इन दो लेवल्स तक ही मार्केट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर इसके नीचे ब्रीच होता है तो काफ़ी पैनिकिंग सिनारियो रहेगा सबके लिए ही, और यहाँ से फिर ATH का जो भी अपना सपना है वो सपना ही शायद रह सकता है, एटलीस्ट अंटिल नेक्स्ट टू एक्सपायरीज. सो लेट्स सी कि यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स की, आज ग्लोबली काफ़ी इंडेक्स पे प्रेशर रहा है. आज जो अगर यूरोप का एनालिसिस किया जाए तो यूरोप हैज़ ट्रेडेड सी हियर. सो यूरो स्टॉक्स 50 इट्स डाउन बाय 1.79%. यूरोप इज डाउन बाय 1.77% टुडे एंड इट्स स्टिल करंटली ट्रेडिंग एट सच लेवल. यहाँ से एक हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है इट इज़ डाउन बाय 0.32%. सो हम एक US में भी एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर हम OI डेटा देखा जाए तो लास्ट 60 मिनट्स में अगेन 19,500 का जो कॉल है वो काफ़ी तरीके से शॉर्ट हो रहा था, और 18,300 का जो पुट है वहाँ पे जो लॉन्ग्स थे वो काफ़ी अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं. OI एनालिसिस के हिसाब से अगेन 18,300 पे ये फाइट कल भी थी और आज भी है, और ऑलमोस्ट इक्वली उसी लेवल में हम ट्रेड कर रहे हैं. सो यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन इज जिनका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो 1.44 करोर एंड 1.43 करोर का है. डाउन साइड में 18,200 है, अप साइड में 18,400 है. सो ये दोनों लेवल्स भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कल नोट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. अगेन हैव अ गुड एक्सपायरी टुमारो.